वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। देखिए हमारी अपील ये है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे समाज के, उनको एक तो रोजगार मैसर होगा, दूसरी चीज ये है कि देश के प्रति उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा। जिस तरह की घटनाओं के कारण हमारे देश में आए दिन इख्तलाफात और ये तू में सामने आते हैं और हमारे नौजवान जो है बेरोजगारी के कारण इस्तेसाल होता उनका, शोषण होता उनका, तो ये रुकेगा उनका। और इससे जो है हमारे नौजवानों को चाहिए कि देश के लिए वो आगे बढ़ कर के आएँ और वीर अब्दुल हमीद खां के नक्शे कदम पर चलकर देश के लिए अपनी जानों को कुर्बानी देकर देश की इज्जत और आबरू को बचाने का काम करें। इसके लिए खत भी लिखेंगे आप? नहीं, आइमा मसाजिद को हम खत लिखेंगे। अभी तो हमने 5-6 इमामों से बात की है फ़ोन पर, उनको मैंने कहा है, वो आज इंशाल्लाह जुमे में लोगों को कहेंगे। अगले जुमे तक हमारा बाकायदा खत जारी होगा और उस खत में तमाम आइमा मसाजिद से अपील होगी कि मुस्लिम नौजवानों से अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश की सुरक्षा में अपना पार्ट अदा करें और इस योजना से जुड़ करके दोनों तरह के लाभ हासिल करें, एक तो धन का और बेरोजगारी से का लाभ होगा उनको, दूसरी चीज़ ये देश की एकता अखंडता के लिए उनकी कुर्बानी होगी।